जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों हो जाइए सावधान, आपकी सारी अक्ल ठिकाने लग जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपना फैसला दे दिया है। बेटा, अब तो तुम्हारी चांदी ही चांदी होगी, केवल अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर यह बात अपने पड़ोसी को भी पता चल गई तो आपके ऊपर शनि देव का क्रोध टूट पड़ेगा। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में जो होगा सब और सब केवल और केवल शनि देव की मर्जी से होगा, क्योंकि शनि की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आपने पिछले समय में अनजाने में कुछ पाप किए हैं जिसका पता आपको भी नहीं चला है। लेकिन दोस्तों, चाहे अनजाने में हो या चाहे जानबूझकर, पाप तो पाप होता है और दोष तो हमें उन पापों को भोगना ही पड़ता है। लेकिन आपसे कुछ अच्छे कर्म भी हुए हैं दोस्तों, उसका भी फल आपको मिलने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इस वीडियो को कोई छोटी मोटी वीडियो समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह आपके पूरे जिंदगी को बदल कर रख देगी। क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो होगा आपके साथ, क्या आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा? जहां एक तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके कर्मों का लेखा जोखा भी आड़े आने वाला है दोस्तों। वहीं दोस्तों, आपकी किस्मत कुछ इस तरह तेज भाग रही है कि वह कुछ ही देर में घोड़े को भी पीछे छोड़ देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शुरू से लेकर आखिरी तक आज के इस वीडियो को देखना, वरना आपको अगर एक भी बात अच्छे से समझ नहीं आए तो आपकी जिंदगी में कई सारी मुसीबतें आ सकती है। दोस्तों, पूरे 99 सालों बाद आपके ऊपर आपकी किस्मत मेहरबान हुई है, इसलिए अब कोई भी गलती मत गढ़ना, क्योंकि अब आपका व्यापार भी बहुत ही शानदार रूप से जोड़ने वाला है। नौकरी में भी अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। स्वास्थ्य भी अब आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। दोस्तों, जो पिछले समय बीत गया उसे भूलकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है। बस कुछ सावधानियां मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उस सावधानियों को अपनाकर आप अपना जीवन यापन करिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं कई दिनों से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, कई दिनों नहीं बल्कि कई सालों से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मैं दिन रात जाग जाग कर आपके लिए जानकारी जुटाता हूं। और दोस्तों, मैं आपके जीवन में आ रही परेशानियों को अच्छे से जानता हूं। मुझे पता है कि आप पिछले कई सारे समय से अपने दुखों से परेशान हैं, तकलीफों से जूझ रहे हैं, और दोस्तों अब वह सारी परेशानियां सारे दुख दूर होने वाले हैं, क्योंकि अब मैंने इसका उपाय भी आपको इस वीडियो में बता दिया है, जो वीडियो के बीच में कहीं होगा, जिसे आप अगर कर देंगे तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और वीडियो दोस्तों बहुत ही शानदार है, इसलिए अभी के भी लाइक कर दो और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखना। पवन पुत्र हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो बोलिए जय बजरंग बली। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए अब बिल्कुल ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। तो मित्रों, इस समय अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद में बदलाव करने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए आपको इच्छा शक्ति बढ़ानी होगी। क्योंकि मित्रों, अपनी गलतियों से सीखकर यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। आपकी सोच में आ रहे बदलाव जीवन में भी दिख सकते हैं, तो कुछ लोगों के साथ स्पष्ट बातचीत करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। अपना आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होगा और रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक बातें दूर होने लगेगी। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपेक्षा से अधिक मेहनत करने की वजह से थकान महसूस हो सकती है। कुछ बातें स्पष्ट नजर नहीं आ रही हैं, इस कारण निर्णय लेना संभव नहीं होगा, तो मानसिक रूप से होने वाली बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश करें और मित्रों के साथ रिलेशन बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यह परिवर्तन मित्रों में क्यों हो रहा है, इस बात की जानकारी आपको करनी होगी, क्योंकि जो मित्रों के साथ समय आपने बिताया था वह समय आपको किस समय से एवं किस तरह से लाभ देगा, इसका भी आपको पता करना है। करियर से संबंधित लक्ष्य आपके बदल सकते हैं, तो इस कारण दुविधा महसूस होगी, लेकिन यह निर्णय आपके लिए योग्य होगा। ऐसा नहीं है मित्रों कि यह निर्णय आपके लिए योग्य नहीं होगा, इस योग्य के चक्कर में ही आप कितने समय से बैठे हुए थे। व्यक्ति की पूरी पहचान जब तक नहीं होती
तब तक रिलेशनशिप से संबंधित सोच विचार न करें। यह है लव लाइफ के लिए। जी हां मित्रों, व्यक्ति की परख करें, व्यक्ति को पहचाने, वह व्यक्ति अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है। कंधे में जकड़न या कंधे का दर्द तकलीफ दे सकता है। अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें, एवं बार बार आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं और महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज करने की वजह से खुद के व्यवहार के कारण ही आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। यह आपके लिए मित्रों तकलीफदायक हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि अपना व्यवहार जो है वह संयम बनाए रखना है और मधुर बनाए रखना है। अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना होगा, तभी कार्य क्षेत्र से संबंधित स्किल्स लोगों के सामने आप ठीक से पेश कर पाएंगे, अर्थात आप अपनी बातों को लोगों को सही से समझा पाएंगे और परिवार के लोगों से विवाह संबंधित रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। त्वचा और बाल से संबंधित तकलीफ जटिल होने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि शुरुआत में आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है जैसा आपने चाहा था। तो जिस व्यक्ति के लिए आप आकर्षण महसूस कर रहे हैं वह केवल उनके व्यक्तित्व की वजह से है। इसे लव रिलेशनशिप समझने की गलती बिल्कुल न करें, और आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। अपेक्षा के अनुसार साथी जल्दी ही मिलेगा। जैसी अपेक्षा आपने की थी वैसा साथी आपको मिलने वाला है। हार्मोनल इनबैलेंस होने वाली तकलीफ कम होने लगेगी। आप देखेंगे कि सेहत में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से सेहत से संबंधित सारी समस्याएं मिटने वाली हैं, और भावनात्मक रूप से कमजोर होने की वजह से आप अकेले निर्णय नहीं ले पाएंगे। जिन लोगों से आप मदद की अपेक्षा करते हैं उनके विचार समझने की कोशिश करें, और किसी भी व्यक्ति पर पूरा भरोसा करना आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। भरोसा बहुत छोटी चीज है मित्रों। आपको ध्यान रखना है कि सोच समझ कर करना है, क्योंकि भरोसे में दिक्कत इतनी सी होती है कि अक्सर विश्वासघात करने वाला कोई अपना ही होता है। जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक भरोसा दिखाएंगे वही व्यक्ति आपका भरोसा छोड़ेगा। और काम से संबंधित बातों में संयम रखें। काम के लिए अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, लेकिन इतना भी नहीं लगेगा कि काम रुक जाए और परिवार के लोगों के साथ हो रहे विवादों का असर अपने रिलेशनशिप पर न होने दें। पानी की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है, वरना किडनी से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आपका विश्वास बना रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय परिवार के लोगों के लिए लाभदायक साबित होंगे, तो इस कारण लोगों के मन में जो कटुता है वह कम होने लगेगी। अपने व्यवहार में सुधार करने की जरूरत है मित्र। आप अपना व्यवहार समय रहते सुधार लेंगे तो आप ही के लिए बढ़िया रहेगा, और काम से संबंधित हर प्रकार की चिंता दूर हो सकती है। आपको प्राप्त हो रहे प्रपोजल के बारे में सोच विचार जरूर करना है, और ऐसी डीटी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि परिवार के लोगों के साथ हो रहे वाद विवादों की चर्चा दूसरों के साथ न करें। कोई आपकी परिस्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। व्यक्तिगत बातों को गोपनीय रखी और खुद की कमजोरी लोगों के सामने न आए, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो भी बातें हैं आपको, चाहे वह व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वह प्रेम प्रपोजल से या पारिवारिक जीवन से, इन सभी बातों की गोपनीयता आपको रखनी है। मित्र अपने काम का विस्तार करने के लिए योग्य स्रोत प्राप्त रहेगा, और नए लोगों के साथ की गई पार्टनरशिप लाभदायक हो सकती है। स्त्री जो मित्र से विवाह संबंधित प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, और आंखों से संबंधित तकलीफ भी आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि समस्या के साथ समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को काम का विस्तार हो सकता है। अपनी जीत पर ध्यान देने की वजह से पार्टनर के साथ वाद विवाद भी हो सकता है, तो अपने जिद्दी रवैये से आपको दूर रहना चाहिए, यही सलाह आपको दी जाती है। दोस्तों अगर वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आगे कुछ सावधानियां बताएंगे, सुने। वहीं पिछली बातें बार बार याद करने की वजह से अकेलापन महसूस हो सकता है। किसी व्यक्ति के सामने अपने विचारों को खुलकर बोलने की कोशिश करें, और खुद के लिए नकारात्मकता बिल्कुल न बढ़ने दें।
अपेक्षा के अनुसार परिस्थिति में बदलाव अगले कुछ दिनों में ही नजर आएगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि काम से संबंधित दस्तावेज वक्त पर न बनने की वजह से काम हाथ से निकल सकता है, अवसर हाथ से निकल सकता है। समय रहते अगर आपने दस्तावेज से संबंधित काम कर लिए तो अवसर आप ही के हाथ में है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बार बार मूड में आ रहे बदलाव की वजह से पार्टनर और रिलेशनशिप के लिए नकारात्मक महसूस हो सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से जो ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है उसे दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन में बढ़ रही व्यवस्था के कारण खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो सकता है, फिर भी कुछ समय एकांत में बिताने की कोशिश करें। काम की जगह आपको महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और पति पत्नी आपसी विवादों को मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना न करें। मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोगों को खुश करने से आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आपके जीवन का कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन अगर वही दूसरी ओर आप रब को खुश करेंगे, अर्थात भगवान को खुश करेंगे, तो जिन लोगों से भगवान राजी होते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो मित्रों, आज ही से अपने जीवन में गुरु जी का यह ज्ञान जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आपको अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाना होगा, नहीं तो ये क्रोध आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देगा व आपके परिवार में और रिश्तों में भी खटपट हो सकती है। तो मित्रों, आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका क्रोधी स्वभाव ही आपके लिए कभी कभी परेशानी का कारण बन सकता है, तो आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना है मित्रों। और यदि आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करें तो भी आपको क्रोध नहीं करना है, नहीं तो आपका कोई जरूरी कार्य लंबे समय के लिए टल सकता है। और मित्रों, किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम पर घर में और परिवार में चर्चा हो सकती है, जिसमें परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करना आपके लिए आवश्यक होगा। वहीं ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप अपने माता पिता को व परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने की योजना बना सकते हैं और देखेंगे कि किस तरह से माता पिता आपसे खुश हैं। वही ध्यान रखिएगा मित्रों कि छोटी सी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि नौकरी कर रहे जातकों को कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य सौंपा जा सकता है जो उनको प्रिय हो, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ गलती कर सकते हैं। तो मित्रों, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न होगा व उसमें अपने साथियों का सहयोग भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो वहीं ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसके कारण उनकी समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें मित्र, क्योंकि मामला सेहत का है और सेहत ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। तो सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें और किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सेहत के साथ न करें। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस समय आपको थोड़ा जोर देना होगा। आप अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ धन व्यय होगा तो आपको आपका व्यापार में फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था, जिसके बिल्कुल भी आपको आसार नहीं दिख रहे थे वापस आने की। तो मित्रों, अब आसार हैं, जिसके कारण अपनी संतान की कुछ अनचाही की प्राप्ति भी कर सकते हैं, अर्थात संतान ने आपसे अपनी कुछ इच्छा की थी वह आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई प्रसन्नतादायक समाचार सुनने को मिलेगा, जिसके कारण आपके मन में हर्ष होगा। और यदि आप साझेदारी में किसी व्यापार को करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय जो है बेहतर रहने वाला है। वहीं आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, इस दौरान आपका स्वभाव काफी नरम रहेगा। वहीं आपके लिए और दिनों से बेहतर रहने वाला यह समय है, क्योंकि आप जिस भी कार्य को करने का मन अथवा योजना बनाएंगे उसमें आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। आगे सुने दोस्तों, तो हमारी चाबी होती है
चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो। दोस्तों, चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखें जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है जहां खुद को थोड़ा सा कमजोर भी महसूस करेंगे, इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बड़ा दल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेश जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शादी जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर है तो दोस्तों कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल कर रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपने मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि इस समय पेशाब के लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपना खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कम काज के मोर्चे पड़ी है, जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कर रहे हैं कि चाहे लाख दोस्तों मुसीबतें ए रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको की जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, नौकरी पेश जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियों हैं, तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह शुरू करना चाहते हैं, तो ये जो जनवरी का महीना है थोड़ा सा रुक जाना। समय और ग्रह परिस्थितियों उतनी ठीक ठक भी नहीं दिखाई दे रही है जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें। जब तक शुभ परिस्थितियों नहीं बनते, आपको थोड़ा सा रोकने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पड़ा हुआ है तो दोस्तों इस समय आग को थोड़ा और सजग होना है, अन्यथा दोस्तों उसे कम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर रख सकता है। इसलिए जो कम लंबी द, जो कम मटके हुए, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहे अट गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो वहां पर से वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बढ़ सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।